अब हम देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू असेसमेंट। रिमेंबर, अगर किसी प्रॉपर्टी का खड्डा पड़ा हो, अगर किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप से रिलेटेड जो है वो खड्डा पड़ गया। अब प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। एक था मिस्टर गोलू, एक था मिस्टर भोलू, इनके नाम एक प्रॉपर्टी हुई और प्रॉपर्टी का मालिक था मिस्टर नाशरीफ। अब नाशरीफ ने एक प्रॉपर्टी जो है, नाशरीफ साहब वो तो हो गए, प्रॉपर्टी किसकी हो गई है? भोलू की हो गई है, और भोलू की हो गई है। अड्डा पड़ गया भाइयों के दरमियान, वो भाई जो बचपन से एक दूसरे की प्यार और मोहब्बत में कसमें खाते थे कि जी हमारा भाईचारा नहीं होता, खत्म होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, हम भाई जो हैं एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। जैसे ही फटे पड़े विरासत के, पता ना खून सफेद हो गया, भाई भाई का ना रहा। ऊपर से दोनों भाइयों की शादी भी हो गई हुई थी, दोनों की बीवियां भी आ गई हुई थी। अब बीवियों के चलते हुए शरीका डेवलप, इन्होंने कहा ना, अब इन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी हमारी है, वो के मेरी है, मैं बड़ा हूँ, जरा हिस्सा मेरा है, वो के प्रॉपर्टी मेरी है, जरा हिस्सा मेरा। लड़ाई पड़ जाएगी। अब जब लड़ाई पड़ेगी गोलू और गोलू में और भोलू में, तो क्या होगा? ईंटें चलेंगी, मुक्के चलेंगे, ये फायरिंग हो रही है। रोज गुजरते हुए गोलू पकड़ के भोलू के बच्चों को फंड रहा है, भोलू को लगता है पता हो जाके गोलू की गाड़ी के ऊपर लाइने मारते, ऐसे कर रहे होंगे ना। पाकिस्तान में यही कल्चर है ना कि अगर भाइयों में भी लड़ाई हो जाए तो इस तरह ही होता है, ऐसे लड़ेंगे, मरेंगे, कुटेंगे, फिर क्या होगा? ये एंड पे कहाँ चले जाएंगे? कोर्ट के पास, अदालत में। अब अदालत में अगर ये अपना केस ले गए हैं और इस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट का केस अगर अदालत में चल रहा है, तो रिमेम्बर जब तक इसका फैसला नहीं होगा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का, कभी भी असेसमेंट ऑर्डर इश्यू नहीं किया जाएगा। जब फैसला हो गया, जिस साल फैसला आएगा उस साल में इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इनकम होगी उसका फैसला क्या किया जाएगा? उसके एक साल के बाद किया जा रहा होगा, एक साल के अंदर अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रॉपर्टी का केस जो है वो पेंडिंग है 2012 से कोर्ट में, ठीक है? 2012 से भोलू और गोलू मर मर के पागल हो गए हैं, लेके नल स्टे लिए लड़ रहे हैं। 2023 में क्या होता है? इसका डिसीजन आता है, इसका डिसीजन आता है 1 अप्रैल 2023 में कोर्ट ने फैसला किया ये प्रॉपर्टी इसकी है, इसकी मिल्कियत है। अब यहां से लेके यहां तक क्या इस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट थी? हड्डा था, केस था कोर्ट में, कोर्ट में केस था, कोर्ट में केस होने की वजह से इसकी इनकम के ऊपर कोई भी हम फैसला नहीं कर सकते। जब कोर्ट ने 9 साल के बाद, सॉरी 11 साल के बाद जब फैसला कर लिया, अब इस फैसले के बाद हमारा ईरण कब आ रहा है? 30 जून 2023। इस फैसले के बाद पूरा एक साल का ईयर एंड कब बन रहा है? फैसला हुआ आपका इस ईयर में, अगला ईयर आपका एंड होता है 30 जून 2024। 30 जून 2024 तक आपके पास टाइम है, विद इन 1 ईयर इन द ईयर ऑफ डिसीजन क्या हो सकता है? असेसमेंट ऑर्डर इसके बारे में इश्यू हो सकता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद है एविडेंस ऑफ असेसमेंट के हमारे पास क्या सबूत है कि हमारी असेसमेंट हो गई है। व्हाट इज द सबूत? हमारे पास क्या सबूत है कि हमारी असेसमेंट हो गई है? रिमेंबर, जो हमारे पास असेसमेंट ऑर्डर होता है बेसिकली वही हमारे पास क्या है? सबूत है, जिसके मुताबिक क्या कर रहे होते हैं हम अपनी असेसमेंट ऑर्डर मान रहे होते हैं। जो हमें असेसमेंट ऑर्डर मिल गया, दिस इज जो है, दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस कि मेरी असेसमेंट वगैरह जो है वो ठीक है।
रिमेंबर असेसमेंट ऑर्डर में अगर कोई डिफेक्ट है, कोई मिस्टेक है, कोई ओमिशन है, उसकी वजह से हम किसी भी असेसमेंट ऑर्डर को क्वैश, वॉइड या आउट ऑफ वॉन्ट ऑफ फॉर्म पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जी अगर फॉर एग्जांपल मेरा नाम फरुख अमजद है और वो मोहम्मद फरुख लिख दिया गया है, मैं कहूँ जी तो गलती है, मैं इसको मानता नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। असेसमेंट ऑर्डर सिर्फ उस वक्त वॉइड होगा जब उसमें सब्सटेंस और इफेक्ट का मैटर होगा और वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं होगा, उसके मुखालिफ होगा। और उसके अलावा अगर उस बंदे ने असेसमेंट ऑर्डर इशू किया है जो बंदा मजाज ही नहीं था, तो फिर क्या होगा, हम इसको क्या कंसिडर कर रहे होंगे, हम इसको वॉइड कंसिडर कर रहे होंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से सरकमस्टांसेस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमारा असेसमेंट ऑर्डर जो है वो क्या होता है, वॉइड कंसिडर होता है। वो दो बातें हैं, इनको आपने क्रैम करना है, इनको रट्टा मारना। पता नहीं मुझे लग रहा है सिक्स सेंस आ रही है कि 2 मार्क्स का सवाल पेपर में पूछ सकता है। जस्ट इसमें से बताएं क्या है और किस तरह से लेके चल रहे हैं।